Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today we'll be going through the Chhattisgarh Excise Amendment Act 2017 and we'll be also discussing some important MCQs related to Chhattisgarh Excise Act 1915 and also incorporating the Amendment Act provisions into it. So let me first tell you what is the enforcement date of this particular amendment. So the enforcement date is 17th August 2017. Is then the Amendment Act ko lagu kiya gaya. Now let us see what all provisions have been added via this amendment. So sabse pehle section 2 jo ki aapka definition clause hai usme char subsections ko add kiya gaya. Kaun kaun se 9A ko add kiya gaya, 13A ko, 16A ko and 17A ko. To char subsections ko add kiya gaya. Uske baad section 17 mein subsection 3 ko add kiya gaya aur section 18A ko substitute kiya gaya. Now let us have the deep insight of all these provisions. To sabse pehle section 2 subsection 9A jo ki hotel ki definition ke bare mein baat karta hai. तो यहां पर बोला क्या है, कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जब रेसिडेंशियल अकोमोडेशन होती है और उसे बिजनेस पर्पस के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है. सो जब रेसिडेंशियल अकोमोडेशन होती है और उसे बिजनेस पर्पस के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, तो मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए जब ये किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन को प्रोवाइड करना, तो वो होटल हो जाती है. तो वो बिल्डिंग भी हो सकती है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 13A. अब इसमें ऐड करी गई डेफिनेशन लिकर वेंड्स की. अब लिकर वेंड्स क्या होते हैं, तो लिकर वेंड्स होती हैं आपकी रिटेल शॉप्स. क्या होती हैं, होलसेल शॉप नहीं, रिटेल शॉप्स होती हैं जिनके पास लाइसेंस होता है लिकर को सेल करने का. रिमेंबर दिस, जिनके पास लाइसेंस होता है क्या, लिकर को सेल करने का. बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस डेफिनेशन की वो ये है कि ये क्या इंक्लूड नहीं करती हैं. तो ये दो चीज़ें इंक्लूड नहीं करती हैं, एक हो गई आपके होटल्स को इंक्लूड नहीं करती हैं और दूसरा क्या हो गया, कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस को इंक्लूड नहीं करती हैं. सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये इंक्लूड क्या नहीं करती हैं, बिकॉज मैनी टाइम्स दे आस्क यू कि ये डेफिनेशन क्या इंक्लूड नहीं करती. तो ये होटल्स को इंक्लूड नहीं करती और कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस को इंक्लूड नहीं करती. नेक्स्ट सबसेक्शन 16A सेल ऑफ लिकर की बात करी गई है. तो यहाँ पर बोला गया है जब लिकर को ट्रांसफर किया जाता है, लिकर वेंड जब लिकर को ट्रांसफर करता है परचेजर को देता है किस पर्पस के लिए, कंजम्पशन के पर्पस के लिए, और परचेजर को वो कंज्यूम करनी होती है लिकर वेंडर के प्रमाइसिस के अलावा कहीं और पे, अदर दैन द प्रमाइसिस ऑफ द वेंडर, तो उसको कहा जाता है सेल ऑफ लिकर. और सेल ऑफ लिकर का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि जब परचेजर को ये ट्रांसफर करा जाता है इन लीव ऑफ कंसिडरेशन. तो ये आप अच्छे से याद रखें, इन लीव ऑफ कंसिडरेशन जब ये ट्रांसफर किया जाता है देन इट इज कंसिडर्ड एज सेल. अब आता है सप्लाई ऑफ लिकर, ये 17A में दे रखा है. अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब लिकर प्रोवाइड करी जाती है फॉर कंसिडरेशन. अगेन यहां पर भी कंसिडरेशन इज द इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट. सो यहां पर भी जब कंसिडरेशन के लिए प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन कहां, यहां परचेजर को नहीं, यहां पर या तो होटेल्स में प्रोवाइड करी जा रही है या तो आपके कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस में प्रोवाइड करी जा रही है, और वो भी तब जब दोनों के पास लाइसेंस हो और ये चीज कंज्यूम हो रही हो उस होटेल या कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस के प्रिमाइसिस के अंदर. ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कंसिडरेशन के लिए, और किसको, होटल और कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस को, और वो भी तब जब इनके पास लाइसेंस हो. और दूसरी चीज कि जो इनके पास लाइसेंस है वो किस चीज के लिए, अपने प्रमाइसिस में कंज्यूम करवाने के लिए. ओके, सो दिस इज 17 है. नेक्स्ट आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो कि बात करता है सेल और सप्लाई ऑफ लिकर की. अब सेक्शन 17 तो पहले से इस एक्ट में था, इसका सबसेक्शन 3 जो है वो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है जो कि बात करता है सेल और सप्लाई ऑफ लिकर की. तो यहां पर बोला गया है सेल ऑफ लिकर शैल बी परमिटेड. तो शैल यूज किया गया है, मतलब मैंडेटरी उसको परमिट करा जाएगा. और केवल किसको परमिट किया जाएगा, ऐसे लिकर वेंड्स को जिनके पास लाइसेंस हो. किनको परमिट किया जाएगा, ऐसे लिकर वेंड्स के जिनके पास लाइसेंस हो. और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो शॉप है वो कहां पर लोकेटेड नहीं होनी चाहिए तभी प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी शॉप 500 मीटर्स के रेंज में नहीं होनी चाहिए किसी भी नेशनल स्टेट हाईवे में या फिर किसी भी सर्विस लेन के, जो भी सर्विस लेन्स होती हैं अलॉन्ग द हाईवेज, तो वहां पर उसके 500 मीटर के रेंज में नहीं होना चाहिए. एंड दूसरी चीज कि शॉप ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए जो उस हाईवे से विजिबल हो या फिर एक्सेसिबल हो, उसी केस में लाइसेंस दिया जा सकता है सेल ऑफ लिकर का.
दूसरी चीज यहां पर बोली गई है, जो भी टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे सेल ऑफ लिकर में, वही आपके एप्लीकेबल होंगे सप्लाई ऑफ लिकर में. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर बोला गया है किसी भी जजमेंट डिक्री या किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो, अगर किसी होटल के पास लाइसेंस है तो वो एंटाइटल्ड है लिकर की सप्लाई के लिए विद इन द प्रिमाइसिस ऑफ सच होटल, इररिस्पेक्टिव उसका होटल हाईवे के पास हो या 1500 के मीटर के अंदर हो. अगर उस होटल के पास लाइसेंस है तो वो अपनी प्रिमाइसिस के अंदर सप्लाई ऑफ लिकर के लिए वो बिल्कुल एंटाइटल्ड है. ओके, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ओवर हियर. तो लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी लाइसेंस इशू किया जाता है किसी भी होटल या कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को सेल ऑफ लिकर के लिए, तो माना जाएगा वो लाइसेंस सप्लाई ऑफ लिकर के लिए भी दिया गया है, और जो भी इस एक्ट के अंदर रेलेवेंट प्रोविजंस है उसके लिए भी लाइसेंस दिया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, दो चीजों की बात करता है, सेल और सप्लाई ऑफ लिकर की. ओके, नेक्स्ट आपका ऐड किया गया 18A, जो कि बात करता है पार टू ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट फॉर मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा. तो यहां पर बोला गया है ये पावर एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करने की पावर आपकी है स्टेट गवर्नमेंट के पास. मे प्रोविजन है तो डिस्क्रिशनरी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर सकती है. किस चीज के रिस्पेक्ट में ग्रांट कर सकती है? किसी भी इंटॉक्सिकेंट के रिस्पेक्ट में ग्रांट कर सकती है. आप इंटॉक्सिकेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या ग्रांट कर सकती है? कि आप उस इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, परचेज, होलसेल, रिटेल, कलेक्ट कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो. किसके रिस्पेक्ट में? क्या केवल इंटॉक्सिकेंट के रिस्पेक्ट में? नहीं, इंटॉक्सिकेंट के रिस्पेक्ट में भी ग्रांट करा जा सकता है, और ये आपका डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन के लिए भी ग्रांट किया जा सकता है. तो इन दोनों के लिए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करी जा सकती है. अब किसको ग्रांट करी जा सकती है? तो ये किसको ग्रांट करी जा सकती है? ये ग्रांट करी जा सकती है आपके कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन को जो कि होल्ली ओन्ड हो रही हो, कंट्रोल हो रही हो, किसके थ्रू? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करने की पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पर इस पर्पस के लिए कॉरपोरेशंस को लाइसेंस कौन देगा? तो इस पर्पस के लिए कॉरपोरेट को लाइसेंस देंगे आपके एक्साइज कमिश्नर. तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, लाइसेंस ग्रांट करने की पावर किसके पास है? एक्साइज कमिश्नर. और एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करने की किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो कॉरपोरेशंस को एक्साइज कमिश्नर सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करते हैं नेसेसरी लाइसेंस, और उसके बाद जब इन्हें लाइसेंस मिल जाता है तो वो अपने यूनिट्स, ब्रांचेस, शॉप्स को उन प्लेसेस पे, उन कंडीशंस पे एस्टैब्लिश करेंगे जो एक्साइज कमिश्नर ने इम्पोज करी है. ओके, सो ये इतने डिटेल प्रोविजंस थे आपके अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड किए गए हैं. नाउ लेट अस गो थ्रू द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, सो यू विल हैव एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं, तो यू विल हैव एन एडवांटेज. सो लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर वन, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पार टू डिक्लेयर अ ड्रिंक एज कंट्री लिकर इज वेस्टेड इन. तो किसके पास पावर है कि वो किसी भी ड्रिंक को कंट्री लिकर डिक्लेयर कर सकते हैं? तो ये पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और ये आपका कहां पर दे रखा है? ये आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन 4 के अंदर. अब सेक्शन 4 एक और पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी भी ड्रिंक को स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन लिकर भी डिक्लेयर कर सकती है अंडर सेक्शन 4. नेक्स्ट, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पावर टू डिक्लेयर अ ड्रिंक एज फॉरेन लिकर इज वेस्टेड इन. तो ये किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये कहां दे रखा है? सेक्शन 4 में. नेक्स्ट, whose prior permission is essential for granting license to sell liquor in cantonment area. तो अगर cantonment area में liquor sell करना है, उसके लिए license चाहिए, तो prior permission किसकी चाहिए? तो commanding officer की prior permission चाहिए. Therefore option 3 is correct, और ये बात कहाँ दे रखी है? Section 20 of the act में दे रखी है. Next, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट लिकर के नॉट बी सोल्ड टू अ पर्सन बिलो वॉट एज. तो कौन सी एज के नीचे किसी पर्सन को लिकर सेल नहीं किया जा सकता? सो 21 ईयर्स के नीचे सेल नहीं किया जा सकता. ये प्रोहिबिशन ऑफ सेल कौन से सेक्शन में है? 23 में लगा हुआ है. नाउ लेट मी टेल यू, सेक्शन 22 और 23 ये बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लें. 22 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट पे, और 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन सेल पे. तो सेल पे अगर प्रोहिबिशन लगा है 23 में, तो वो किसी को भी लिकर नहीं बेची जाएगी, इरिस्पेक्टिव वो फीमेल हो या मेल हो. अगर वो 21 ईयर्स का है तो उसे लिकर नहीं बेची जाएगी. एम्प्लॉयमेंट है, अगर मेल है तो वो 21 ईयर्स के नीचे का नहीं होना चाहिए, एंड बाकी फीमेल चाहे वो कोई भी एज की हो एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा. तो 22 और 23 सेक्शन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. 22 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल की. सो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर रखिएगा अपने माइंड में. नेक्स्ट,
पार टू इशू ऑर्डर फॉर क्लोजिंग लिकर शॉप फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस इज वेस्टेड इन. तो ये पार किसके पास है कि पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए वो ऑर्डर पारित कर सकते हैं लिकर शॉप को क्लोज करने के लिए. ये पावर आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है. कौन से सेक्शन में दे रखा है? ये आपका सेक्शन 24 में दे रखा है. एक चीज और दे रखी है सेक्शन 24 में, क्योंकि अगर कोई रेयॉर्ड या फिर अनलॉफुल असेंबली होने वाली है या अकर हो गई है तो कोई भी मजिस्ट्रेट शॉप क्लोज करा सकता है. उस केस में कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है. ओके, और प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस के लिए डीएम करते हैं 24 में. नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 6, अब छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का सेक्शन 6 कहता है उसमें कुछ एक्ट्स लिस्टेड है जिनके ऊपर एक्साइज एक्ट छत्तीसगढ़ का लागू नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में लिस्टेड आउट नहीं है. प्लीज ये नॉट वर्ड बहुत अच्छे से आप लोग एमसीक्यू पेपर में ध्यान रखें, नॉट हो गया, कैनॉट हो गया, बिकॉज हम इसे जनरली इग्नोर कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है. अब जैसे यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड पूछा हुआ है तो सी कस्टम एक्ट इंक्लूडेड है, इंडियन टैरिफ इंक्लूडेड है, कंटोनमेंट, ये तीनों सेक्शन 6 में प्रेजेंट है जिसके ऊपर एक्साइज एक्ट लागू नहीं होता है. पर ये नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफेंस ऑफ भांग कल्टीवेशन इज पनिशेबल विद. अब भांग कल्टीवेशन इससे रिलेटेड आपका प्रोविजन है सेक्शन 34. अगर सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 में आप देखेंगे तो ए से लेकर एच तक क्लॉजेस दे रखे हैं वहां पर, उसमें से सी क्लॉज में आपकी भांग की बात करी गई है. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी जस्ट आस्क यू कि ए से लेके एच तक जितने भी क्लॉजेस दे रखे हैं इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो भांग पूछ सकते हैं जो क्लॉज सी में है तो वो कोई भी क्लॉज पूछ सकते हैं. तो इस प्लीज सारे क्लॉजेस को अच्छे से मेमोराइज करिएगा, लिस्ट से आप थॉरो होने चाहिए. तो इसमें फर्स्ट ऑफेंस में कितनी पनिशमेंट है, तो आपकी मिनिमम 6 मंथ्स है विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, और फाइन के केस में मिनिमम 10,000 विच में एक्सटेंड टू 50,000. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 7 है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकती है. किस पर्पज के लिए? इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए. किस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए? एक्साइज रिवेन्यू अगर कोई इवेड हो गया हो उसके पर्पज के लिए. तो ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. कौन सी एजेंसी को वो एम्पावर कर सकती है? फ्लाइंग स्क्वाड को. किसको? फ्लाइंग स्क्वाड को. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका whoever assaults or obstructs any excise officer exercising powers under the Chhattisgarh Excise Act is liable to be punished with imprisonment which may extend to. तो अगर कोई भी ऑफिसर है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, कोई और उन्हें असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी सजा लगेगी? मैक्सिमम 2,000 का फाइन तो लगेगा ही लगेगा. इंप्रिजनमेंट की कितनी पनिशमेंट होगी? तो वो मैक्सिमम होगी आपकी 2 ईयर्स की. कितनी होगी? 2 ईयर्स की. और ये आपका कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है आपका सेक्शन 40A में. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका विच प्रोविजन ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट रिक्वायर्ड लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट. तो अगर आपको कोई इंटॉक्सिकेंट सेल करना है तो उसके लिए अगर आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, ये प्रावधान कौन से सेक्शन में दे रखा है? तो ये आपका सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट में दे रखा है. जिसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी कंडीशन इंपोज करनी है तो वो कौन करेगा? वो एक्साइज कमिश्नर इंपोज करते हैं. अगर लाइसेंस ग्रांट करने के लिए कोई कंडीशन इंपोज करनी है तो वो कौन करता है? एक्साइज कमिश्नर. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, ए हैज बीन फाउंड कंज्यूमिंग अल्कोहल एट रेलवे स्टेशन ऑन 2 occasions. रिमेंबर, 2 occasions पे पहली बार वो कन्विक्ट हो चुका था, अब दूसरे कन्विक्शन पे उस पर मिनिमम कितना फाइन इंपोज किया जा सकता है? सो यहां पर पहली चीज रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन एक पब्लिक प्लेस है. तो तुरंत आपका कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे? सेक्शन 36F से रिलेटेड ये प्रोविजंस है जहां पर बात करी गई है फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन की. अगर पहला कन्विक्शन होता है तो मिनिमम आपके ऊपर फाइन लगता है 1,000 और मैक्सिमम 5,000 तक एक्सटेंड हो सकता है. सेकेंड कन्विक्शन में मिनिमम 5,000 और एक्सटेंड हो सकता है आपका 10,000 और साथ में 3 months इंप्रिजनमेंट भी है. और अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद पब्लिक प्लेस पे तो मिनिमम 10,000 का फाइन है जो एक्सटेंड हो सकता है 20,000 तक और साथ में 3 months की इंप्रिजनमेंट है. तो यहां पर सेकंड कन्विक्शन है मिनिमम फाइन पूछा है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 5,000. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नॉन बेलेबल. अब ये कौन से ऑफेंसेस हैं जिन्हें नॉन बेलेबल डिक्लेयर किया गया है? तो यहां पर नॉन बेलेबल डिक्लेयर किया गया ऑप्शन 4 को, इंपोर्ट ऑफ लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब इसके लिए आपका सेक्शन है 59A जहां पर मैंशनड है आपके ऑफेंसेज जो नॉन बेलेबल है, जहां पर 2 offenses को मैंशन किया गया है. एक है आपका 49A सेक्शन के अंदर के ऑफेंसेज और दूसरा सेक्शन 34 का सबसेक्शन ए और बी का क्लॉज. 49A बात करता है इंपोर्ट ऑफ लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लेस योर कमेंट्स.